पंजाब आबादी के तनासुब से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, मगर इस सूबे में तरक्की की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो लाहौर समेत चंद बड़े शहरों के बरअक्स जनूबी पंजाब समेत तमाम इलाकों में तरक्की की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। यही वजह है कि सूबे के बड़े अफसरान अपनी पोस्टिंग्स लाहौर से बाहर कर दिए जाने से घबराते हैं। इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी ब्यूरोक्रेट्स दूर दराज इजला में पोस्टिंग से कतराते हैं। हर कोई जानता है कि लाहौर में तो वही अफसर रह सकता है जो चीफ मिनिस्टर साहब के ज्यादा करीब हो, या फिर कम से कम हमजा शहबाज शरीफ का वाकिफ। जब उसको पता हो कि मेरा तबादला या मेरी जो भी है इसने करनी है, आईजी ने करनी है, चीफ सेक्रेटरी ने करनी है, तो फिर वो काम भी देगा। वो आप इधर नहीं देखते, वो आप चीफ मिनिस्टर की तरफ देखते हैं, वो आप देखेंगे मोनू सलाई की तरफ देखेंगे, वो देखेंगे हमजा शहबाज की तरफ देखेंगे। शायद इसीलिए 18वें ग्रेड के साबिक डीसीओ लाहौर आहद चीमा इस वक्त 22वें ग्रेड के डीजी एलडीए की पोस्ट पर तैनात हैं, या 18वें ग्रेड के डीजी पीआर अथर अली खान अफसर वही जो हाकिम वक्त का मंजूर नजर हो। जो लोग 17वें ग्रेड में हैं 19वें ग्रेड की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इसी तरह जैसे आहद चीमा की आप मिसाल ले लें, वो भी इसी तरह था कि जो लोग मेरिट पे नहीं थे उनको लगा दिया गया। उनकी परफॉर्मेंस देख के उनको यकीनन वहाँ पे लगाया गया होगा। देखें, जब एक आदमी को आप उसके ग्रेड से ऊपर अगर कहीं लगाते हैं, उसके लिए एक इंसेंटिव ये होता है कि ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। एक आदमी जब अपने ग्रेड में काम कर रहा होता है वो फिर भी ठीक बेहतर काम करेगा। जब बहुत आप 17 ग्रेड के अफसर को 18 में लगा देंगे या 19 में लगा देंगे, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि मुझे वापस ना भेज दें, वो जाहिर है फिर वो आपकी मर्जी पे चलेगा। वो डीसीओ लाहौर हो या आईजी पंजाब, हाल ही में लाई गई इन अफसरान की तब्दीलियों के पीछे भी सियासी अमल दखल होने के शवाहिद से मुकम्मल तौर पर इनकार करना दुरुस्त नहीं। फिर चाहे गवर्नर राज के दौरान किसी मुतल्लिका अफसर की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब को दिया जाने वाला फ्री हैंड हो या जाती दोस्तियां और पसंद नापसंद, क्यों रोकें उसको? ये एक इलीगल ऑर्डर है। एक आदमी को या तो आप उसको लीगल तौर के ऊपर उसका डिटेंशन ऑर्डर करें, लीगली आप उससे कोर्ट से उसका डिटेंशन ऑर्डर करें, और ये तो मेरे ख्याल में उस ऑफिसर की दयानतदारी ईमानदारी है कि उन्होंने कहा कि जी मुझे आप डिटेंशन ऑर्डर दें, मैं रोक दूंगा। मैं देखें, मैं आया भी मेरिट पे था, किसी इन्फ्लुएंस नहीं आया था, इन्होंने मुझे बुलाया था, उस वक्त मैं एडिशनल आईजी था बलूचिस्तान का, तो आया भी मेरिट पर था। उसके बाद भी मेरी पोस्टिंग जो है, मैं अपनी पोस्टिंग से हमेशा मुतमिन रहा हूँ। मैं अपनी पोस्टिंग के कभी मैंने पोस्टिंग के लिए जद्दोजहद नहीं की, मैं ये हो जाऊँ ये हो जाऊँ मैं ये। डेरा गाजी खान, जनूबी पंजाब का वो हिस्सा जो ट्राइबल बेल्ट पर वाक़े होने के साथ साथ तीन बड़े सियासी ग्रुप्स जिनमें लगारी, खोसा और कैसरानी शामिल हैं, इनका गढ़ माना जाता है। अगरचे ये ग्रुप किसी न किसी सूरत में हर दौर में मुंतखब हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, यहाँ तरक्की की सूरत हाल ये है कि साबिक सदर पाकिस्तान फारूक लगारी ने अपने दौर में यहाँ एयरपोर्ट तो बनवा लिया, मगर अवाम बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। और ऐसा इसलिए होता है कि इलाकाई तरक्की का पैसा पसंदीदा अफसरान के जरिए आपस में बांट लिया जाए। कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई ऐसे स्कूल बनाने के बजाय वहाँ एयरपोर्ट बना लिया। अब देखे ना, वहाँ एयरपोर्ट कौन उतरता होकर जाता होगा? 3 या 4 बंदे होंगे ना ज्यादा। तो ये चीजें जो हैं, अब सूबे की बहाली का जिस तरह के जी वहाँ बड़ी पसमानदगी भी किसने की है? वजीर आजम मुल्तान का है, सदर जो है डेरा गाजी खान था, गवर्नर वहाँ के रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने? डीजी खान में पंजाब हुकूमत के मुंतखब खोसा बरादरी के नुमाइंदगान के मुताबिक हमारी सूबाई हुकूमत ने इस इलाके की तरक्की के कामों में बहुत तेजी से हिस्सा लिया है, और वहाँ ड्यूटी पर मामूर सरकारी अफसरान मुकम्मल मेरिट पर ही लगाए गए हैं, मगर इलाके के हालात कुछ और ही मंजर कशी करते नजर आ रहे हैं। जबकि वहाँ के मुतालिका एक्टिंग डीसीओ ने हमें इस इलाके के हालात आगाह करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। जिन लोगों ने अपने इलाके के अंदर ज्यादतियाँ की, मैं आपको बीसीओ नाम गिनवा के दे सकता हूँ जो पॉलिटिक्स में वॉश आउट हो गए। आज के दौर के अंदर इन द 21st सेंचुरी इस किस्म की हरकत कोई शख्स, कोई पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने इलाके में ज्यादती करवाए, थाने के थ्रू या किसी और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। वडेराइज्म और जागीरदाराना निजाम के जेरे असर चलने वाले इन इलाकों में, जहां इन जद्दी पुश्ती सियासतदानों की मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां कोई भी हुकूमत
इनके नापसंदीदा अफसरान को तैनात करके अपना वोट तो खोना नहीं चाहेगी, लिहाजा वक्ती जरूरत के पेश नजर इन इलाकों में वही अफसर लगाए जाते हैं जो इन सियासतदानों की मर्जी के मुताबिक हों, बिलखसूस पुलिस अफसरान। I think it's a misnomer to a large extent. It would vary from situation to situation, a political class to political class, officer to officer. वो समझते हैं कि शायद ऐसे जो कोई हमारा वाकिफ कार लग गया तो पता नहीं हम कितने तकड़े हो, जो कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, कितने पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। बल्कि जिसने भी पुलिस का सहारा लिया है वो उसको फायदा होने की बजाय नुकसान ही हुआ है। जनूबी पंजाब रकबे के एतबार से सेंट्रल पंजाब से बड़ा इलाका है, लिहाजा यहाँ का MPA हकूमत बनाने में सेंटर से ज्यादा अहम। दूसरी तरफ इन इलाकों में वडेरा शाही और जागीरदाराना निजाम भी राइज है और हकूमत भी इन्हीं लोगों की। SHO से लेकर DPO और क्लर्क से लेकर DCO, इन इलाकों में मुकामी सियासतदानों की मर्जी का होता है ये कहा जाए तो किसी सूरत गलत नहीं होगा। उसकी वजूहात शायद लोगों के अपने स्टेक्स होते हैं, जो नीचे ऑफिशियल्स काम कर रहे होते हैं उनके अपने स्टेक्स होते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा फील की जाती है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के अंदर। लेकिन टॉप लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में जो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। अगरचे हमारे सियासी ओहदेदारान समेत सरकारी अफसरान इस राय से मुकम्मल इत्तेफाक तो नहीं करते, मगर ढके छुपे अल्फाज में किसी हद तक इनका मानना ये है कि सियासी अमल दखल ने सिविल सर्वेंट्स के हाथ जरूर बांध रखे हैं और बिलखसूस मजिस्ट्रेट निज़ाम के ख़त्म कर दिए जाने के बाद जहां इनके इख्तियारात में कमी आई है, वहीं डिस्ट्रिक्ट कचहरी जो पहले अवाम के लिए इंसाफ का एक आसान रास्ता थी अब अपनी अहमियत खोती जा रही है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में नाज़म आ गए थे TMOs के ऊपर, TMAs, और सिटी डिस्ट्रिक्ट में DCOs के ऊपर ज़िला नाज़म आ गए थे, तो उससे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो माइक्रो लेवल तक जो आगे नीचे चला गया है, यानी कि लोअर लेवल तक हमारे जो लोअर स्टाफ की पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे भी ये चीज़ इन्फ्लुएंस करना शुरू हो गई है, इंक्लूडिंग हमारे रेवेन्यू स्टाफ में, पटवारी में, और ये चीज़ होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का वो सूबा जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से कौन वाकिफ नहीं, लिहाजा यहाँ पर पुलिस समेत तमाम महकमों और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप अफसरान का मेरिट पर तैनात होना दीगर तमाम सूबों के नस्बत ज्यादा अहम और जरूरी है। पुलिस की हद तक बात की जाए तो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान की तैनाती काबिलियत की बुनियाद पर होती है, किसी हद तक माना भी जा सकता है, क्योंकि बहरहाल इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल से अहम हकूमत के लिए कुछ और नहीं होना चाहिए, मगर बाहमी मफाद की सियासत यहाँ भी मौजूद है। लोकल लेवल पे जो थाना है उसमें लोगों का और परसेप्शन होगा, जो लोकल पॉलिटिशियन है, जो पुलिस अफसर है उनका और होगा, उसमें फिर फ़र्क आ जाता है। उसमें कभी वो कोशिश करते हैं कि इस तरह का बंदा होना चाहिए, फिर हर गवर्नमेंट का एक एजेंडा भी होता है, एक उसका एक प्रोग्राम होता है, वो फिर उन लोगों को लाती है जो कि वो बेहतर समझते हैं या बेहतर उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। DCO पेशावर सिराज अहमद, इनका मानना भी यही है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग्स में सियासत का अमल दखल नहीं, क्योंकि पेशावर जैसे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दिगर खतरात के पेश नजर किसी भी सरकारी पोस्ट पर वही अफसर बैठ सकता है जो इस पोस्ट के लिए अहल हो। चूंकि ये लोग भी वोट लेके आए हुए हैं तो इन पे प्रेशर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम रिकमेंडेशन करते हैं तो वो हमारी रिकमेंडेशन को वेट देते हैं और उसको ज़्यादातर एकोमोडेट करते हैं ताकि मेरिट को जो है ना नुकसान न पहुंचे। मगर हमारी इतला कुछ और है, पेशावर के बहुत से अफसरान भी पंजाब की तरह अपने ग्रेड से ऊँची पोस्ट की मराहत हासिल कर रहे हैं जबकि हकदारान इनके मातहत। इसकी ताज़ा मिसाल हाल ही में रिटायर होने वाले सरकारी अफसर आलम शाह की है जो 19वें ग्रेड के अफसर होकर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की पोस्ट से रिटायर्ड हुए जबकि वो 18वें ग्रेड के अफसर के मातहत काम करते रहे, मगर हमारे बहुत इसरार पर भी वो हमें इंटरव्यू देने के लिए रजामंद नहीं हुए क्योंकि बहरहाल इनको पेशावर में रहना है। मैं अपने आप को खुद
एग्जांपल देता हूँ कि मैं पिछली गवर्नमेंट में भी डीसी होता और अब भी डीसी हुआ हूँ, तो इस तरह की मतलब है कि इस किस्म की एब्रप्ट चेंजेस नहीं होती है जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि बस सारी डीसी और सारी सिटीज ट्रांसफर होगी, नहीं इस तरह नहीं होता है। कुछ अफसरान के पास एक से ज्यादा पोस्ट भी मौजूद हैं, जबकि बहुत से सरकारी अफसरान तो घर बैठे ही सरकारी तनख्वाहों से फायदा उठा लेते हैं। सबका एक ब्यूरोक्रेट है जिनके ऊपर नैब केसेस थे, करप्शन के चार्जेस थे, वो मुल्क से फरार भी रह गए। जब ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की वापस आई है, आज वो सदर हाउस में बैठे हुए, उसे आप क्या तवक्को करेंगे कि वो वहाँ पे बैठ के नमाजें पढ़ा रहा होगा। कुछ लोग सरकारी मुलाजिम हैं, कुछ दरबारी मुलाजिम हैं, जिनकी बका जो है वो अपने आप को दरबार में इंग्रेशिएट करने से, हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात पैदा करने से और उनकी खुशामद करने से उनकी तरक्की जो है वो होने लगी। ब्यूरोक्रेसी इस वक्त मैं समझता हूँ कि मरूब हुई हुई है और वो बिल्कुल सियासतदानों के थले लगी हुई है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची आज जिन हालात का शिकार है, हकीकत में ये भी गैर मुनसिफाना ट्रांसफर पोस्टिंग्स का ही नतीजा है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक अपनी हकूमत बचाए रखने की गर्ज से सिंध हकूमत ने सियासी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर रखा है, यानी जो पार्टी जहां ज्यादा ताकतवर है वहां इनका ही पसंदीदा अफसर तैनात करके निजाम चलाया जाए, मगर किसी न किसी सतह पर तो सियासी मुफादात एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं और अब किसी से ढके छुपे भी नहीं। साबिक ब्यूरोक्रेट्स और तज्जिया निगारों के मुताबिक हुकूमत सिंध अगर सिर्फ मेरिट पर तैनातियों की पॉलिसी पर ही अमल कर ले तो कराची के हालात मामूल पर लौट आएंगे। सच कहें तो ब्यूरोक्रेसी में सियासी तैनातियां खत्म करना करप्शन की राहें बंद करने जैसा है और ऐसा होता नजर नहीं आता।